गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सोमवार यानी कि मंडे को हमारे बीच में रॉयल एबीपीबी सुपरस्टार को हम इनवाइट करते हैं, और उस सुपरस्टार की सीरीज में आज हमारे बीच में मौजूद है संजू कुमार जी। और संजू कुमार जी की कहानी हम सब लोग मिलके सुनेंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मेरे बाद में रहने वाले हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल होंगे। तो संजू कुमार जी को हमें ध्यान से सुनना है, पर उनको सुनने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, और वो ये कि फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ और भी करते रहते हैं, दूसरे काम भी करते हैं। कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ लोग डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, जो कि वेस्टीज ही करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा लोग कई बार इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, और वो लोग दिन भर यही कहते रहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं है, वेस्टीज नहीं होगा मेरे से। मैं आज एक ऐसे पर्सन की कहानी, उनकी जवानी बताने वाला हूं जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में एज ए एजेंट काम किया। जब उनकी जिंदगी में वेस्टी जैसा सुनहरा मौका मिला तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करा, पकड़ लिया और उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वेस्टीज के अंदर शुरुआत छोटे से ही होती है, लेकिन जब हम उस पर लगातार 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 यानी कि कंसिस्टेंसी से काम करते चले जाते हैं तो हमारे चेक्स भी उसी तेजी के साथ बढ़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आज से शायद 1.5 साल पहले वेस्टीज नाम संजू कुमार जी के लिए कुछ भी नहीं था, पता नहीं था कि वेस्टीज क्या होता है। वेस्टीज ज्वाइन किया, साथ ही साथ उसको समझा, और सबसे अच्छी बात जो कि बार बार मैं कहने जा रहा हूं कि उन्होंने अपनी अपलाइन को हमेशा से पूरा उन्होंने रिगार्ड दिया, आदर किया, और जैसा जैसा उनकी अपलाइन ने बोला वैसे वैसे करते चले गए। और ये लॉकडाउन पीरियड तक, बल्कि लॉकडाउन पीरियड में भी मई तक शायद या जून तक वो गोल डायरेक्टरी तक पहुंच पाए थे, लेकिन अचानक से एकदम से बहुत ही जबरदस्त एक छलांग लगाई, एक बहुत तेजी से जंप किया और सीधे क्राउन की जो है आपने ट्रॉफी पर पहुंच गए। क्राउन उन्होंने अचीव किया, न केवल उन्होंने क्राउन अचीव किया, बल्कि दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि एक बार क्राउन हो गया तो अगली बार मुश्किल होगा क्योंकि बहुत तगड़ा जंप लगाया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरा महीना भी उन्होंने सफलता पूर्वक जो है कंप्लीट किया। इसके अलावा तीसरा महीना जो अभी ये मंथ निकला है सितंबर यानी नवा महीना, तो नवा महीने में उन्होंने 3 अपने महीने जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है हाउस फंड का वो भी क्वालिफाई कर लिया। और फ्रेंड्स, इसके चलते हुए क्योंकि गोल्ड डायरेक्टर से डायरेक्ट ही क्राउन बने तो उनको अभी तक कार फंड भी नहीं आ रहा था, हाउस फंड भी नहीं आ रहा था, तो बिना कार फंड और बिना हाउस फंड के उनका मंथली पे आउट 69,000 प्लस तक पहुंच गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो आप देखिए कि वेस्टीज का कमाल, जहां पे आज सारे लोग परेशान घूम रहे हैं, कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा, जिनका बिजनेस है उनका काम नहीं हो रहा, जो सर्विस पे हैं उनके ऊपर तलवार लग रही है, लटक रही है कि कब वहां से बोल दिया जाएगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। देखिए, इतना ऐसी भयंकर परिस्थिति तो आप सब, हम सब लोगों ने लाइफ में कभी भी नहीं देखी। और उस भयंकर परिस्थिति में वेस्टीज में जो लोगों ने, सभी लोगों ने कमाल किया, तेजी से उनके पे आउट्स बढ़ाए, और उनमें से एक हैं मिस्टर संजू कुमार मातंगे। तो आज हम उनको पूरे ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जितनी भी ये बातें हैं जो जिससे उन्हें वेस्टीज में आगे बढ़ने में सफलता मिली, उन सबको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग इसी तरीके के कारनामे करें और इस तरीके से आगे बढ़े, और आपका नाम तथा टीम का नाम ऊंचा करें, अपनी टीम में भी और लोगों को बोले
इस तरीके से हमें सब कुछ भूल के पूरी तरीके से वेस्टीज में लगना है, और वेस्टीज में वो सारी चीज हासिल करनी है जो कि आपके अभी तक शायद सपने में भी नहीं हो, वो सारी चीजें आपको हासिल करनी है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं चाहूंगा संजू जी अपना परिचय दे और अपना सेशन स्टार्ट करें। ओवर टू संजीव कुमार मतंगे जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा क्या सर? हाँ जी बिल्कुल, आपका परफेक्ट स्क्रीन दिख रहा है और जी इसको आप अभी स्लाइड शो में कन्वर्ट कर लीजिए। स्लाइड शो में जाइए ऊपर से, पांचवा पांचवा ऑप्शन। हाँ यस, फ्रॉम बिगनिंग सबसे पहला। हाँ यस, जी नहीं अभी अभी स्लाइड शो नहीं हुआ, वापस से स्लाइड शो में जाइए। स्लाइड शो में जाइए पावर पॉइंट में। हाँ, और इसमें पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन फ्रॉम बिगनिंग, पहले ये नहीं, इस पे नहीं, सबसे पहला ऑप्शन नीचे आइए और फ्रॉम बिगनिंग, ये नहीं, इस पे क्लिक नहीं करना था। फिर से हाँ स्लाइड शो में, स्लाइड शो में हाँ फिर से स्लाइड शो में आइए। अब इसमें फ्रॉम बिगनिंग पहला वाला, यही यही, जी बस इस पे सर क्लिक कर दीजिए। यस, अभी आपका फुल स्क्रीन है। जी सर और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जी सर डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशंस, इसको भी कर दीजिए, नहीं तो फिर कुछ ऐसे अगर लाइंस वगैरह आएंगी तो वो डिस्टर्ब करेंगी। परफेक्टली चल रहा है आपका। स्लाइड शो, जी सर फिर से स्लाइड शो में जाइए। हाँ, स्लाइड शो फ्रॉम फ्रॉम बिगनिंग। हाँ, बिगिनिंग और राइट सर। चलिए आप स्टार्ट कीजिए। राइट, जी सर जी सर गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस एंड गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। मैं संजीव कुमार मंटिगे, क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम बोधन। अभी आज मुझे एबीपी रॉयल एबीपीवी ग्रुप से मेरा वेस्टीज का जर्नी शेयर करने के लिए मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिए सर। उसको सबको मेरे अपलाइनर्स सबको मेरे हार्टफुल थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेस्टीज में तो 2019 जनवरी 7th को मेरा लॉगिन हुआ। उससे बिफोर मेरा लाइफ स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ सर। मेरा जन्म तेलंगाना रीजन निजामबाद डिस्ट्रिक्ट कोडगिर मंडल कल्लूर विलेज में हुआ सर। एक अच्छा खासा फैमिली से मेरा बर्थ हुआ। जैसे जैसे मेरा एजुकेशन का पार्ट चल रहा था सब कुछ 10th तक सब कुछ ठीक था सर। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जैसा था वो हिसाब से मेरे को पढ़ाई भी अच्छा स्कूलिंग कराई मेरे पेरेंट्स ने। और मेरे ड्रीम्स जो भी थे वो बचपन से ही बहुत बड़े थे। बोलो तो मेरा थिंकिंग जो था हमारे एरिया में जो भी काम मैं करा थोड़ा उससे अच्छा बड़ा नाम कमाने का मौका मुझे मिलने का एक सिक्स्थ सेंस बोल के मेरे को जब भी मारता था। वो हिसाब से मेरा बचपन से ही थिंकिंग कुछ अलग था। जैसा जैसा मेरा एजुकेशन पार्ट बहुत स्ट्रांगली चला फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था और फैमिली का स्कूलिंग मेरे को सपोर्ट करने में बहुत मुझे पॉसिबल हुआ था। वो कब तक बोलो तो मेरा 9th
कंप्लीट होने तक मेरा फैमिली का फुल सपोर्ट था। कुछ नेटवर्क इशू आया है तो प्लीज पेशेंस रखना है। संजू जी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो थोड़ा आवाज क्लियर हो जाएगी। ऐसा होता ही है क्योंकि हम सब आजकल डिजिटल दुनिया में हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, तो पेशेंस बना के रखना है। हमारे लिए उनकी कहानी सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, और जल्दी हमारे सामने फिर से आने वाले हैं। कुछ उनके मोबाइल, शायद मोबाइल से प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो वहां कुछ दिक्कत हुई है। जी संजू कुमार जी अवेलेबल हो गए, मैं उन्हें अनम्यूट कर दिया है। तो संजू कुमार जी आप ऐसा करें, आपका वीडियो ऑफ करके प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा एक बार स्क्रीन शेयर करने के बाद, जिससे कि थोड़ा वॉइस क्लैरिटी बढ़ी रहेगी। जी सर जी जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर अभी क्लियर है क्या सर? जी बिल्कुल, आवाज आपकी परफेक्ट अच्छी आ रही है। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मैं संजय कुमार मंडी के ग्राउंड डायरेक्टर फ्रॉम बोधन। सर मेरा मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना रीजन से बिलोंग करता हूँ, कोडगिरी मंडल कल्लूर विलेज से बिलोंग करता हूँ। जैसा मेरा बचपन से मेरा स्कूलिंग वगैरह अच्छा खासा। संजू जी सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा सर जी अभी सर नहीं, अभी नहीं आया। आप एक बार उसे बंद करके दोबारा से चालू करिए तो तब दिखाई दे शायद। सर अभी नहीं आया, अभी जैसे ही आएगा मैं आपको बोलूंगा। जी आ गया आपका डिस्प्ले, एक मिनट, मुझे लग रहा है संजू जी, हाँ म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। संजू जी आपका आ गया डिस्प्ले भी, आप शुरू कर सकते हैं। ओके सर ओके जी
गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मैं संजीव कुमार मंडिगे, क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम बोधन. मैं तेलंगाना रीजन बोधन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोडगिरी मंडल कल्लूर गांव से बिलोंग करता हूं. मेरा एजुकेशन पूरा अच्छा खासा एजुकेशन चल रहा था. मेरा फैमिली, मेरे पेरेंट्स पूरे सपोर्ट कर रहे थे मेरा एजुकेशन के वास्ते. नाइन्थ तक मेरा एजुकेशन अच्छा खासा चला. नाइन्थ में थोड़ा फैमिली, मेरे फादर के हेल्थ ठीक नहीं रहने की वजह से उनका डेथ हुआ था. जब से मेरा स्टडी में थोड़ा दिक्कतें आए हैं, फिर भी मैं कहाँ पे भी डिमोटिवेट ना होते हुए मेरा ग्रेजुएशन तक मैंने एजुकेशन कंप्लीट करा. फिर भी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने के बाद भी कुछ दिक्कतें आए, वो दिक्कतों के सामना करते हुए मैं थोड़ा प्रॉब्लम सोचने में गिरा था, क्या एजुकेशन या बिजनेस. मेरा ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में भी मैं पार्ट टाइम एज अ टीचर करता था, एज अ टीचर वर्क करता था. उसके मेरा एजुकेशन के बाद मैं बहुत सारे कंपनीज में जॉब्स करा था, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस में करा था ऑलरेडी. फुलेट्रॉन इंडिया बोल के अच्छा खासा ब्रांडेड कंपनी, नॉन बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है. और बाद में HDFC बैंक में भी करा था. बिफोर वेस्टिज I was into Life Insurance Corporation of India. Presently also I am continuing in Life Insurance Corporation of India. And वो करते करते मेरे को Vestige का मौका मेरे great sponsor and मेरे अपलाइंस प्रकाश जी and कुशाल जी के जरिया मेरे को Vestige का रास्ता मिला. वो Vestige का रास्ता मिलने के बाद जो भी मेरे बचपन के जो भी ड्रीम्स थे, बचपन से जो भी मैं सोचता था उसका पूरा बेनिफिट्स इसमें दिख रहा था. जो पूरा जो ड्रीम्स थे, मैं वेस्टिज का प्लान सुनने के बाद धीरे धीरे समझने लगा. और समझते हुए मेरा जर्नी वेस्टिज में January 7th 2019 में वेस्टिज में मेरा लॉगिन डेट है. लॉगिन होने के बाद प्रोडक्ट्स एज ए कस्टमर की तरह मैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ था. मेरे घर में थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स थे और उसके वजह से मैं थोड़ा सप्लीमेंट्स यूज करने के बाद 15 डेज में उसके फैबुलस रिजल्ट्स आने लगे. और रिजल्ट्स आने के बाद मेरे को एक लगा कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो क्यों ना मेरे फ्रेंड्स को या मेरे रिलेटिव्स को क्यों ना इसके बारे में शेयर ना करूं बोल के एक छोटा सा सोच स्टार्ट होने से फरवरी में बिजनेस स्टार्ट किया था. वैसा जनवरी से लेके एक मंथ प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद हमारे ग्रेट अपलाइन सुनीता मैडम जी से कॉल आया था कि ऐसा 26th 2019 में नागपुर में VIP मीटिंग बोल के एक मीटिंग है बोल के उनका इंफॉर्मेशन देते हुए सिर्फ वो मीटिंग को हम चार लोग, मेरे ग्रेट अपलायंस प्रकाश जी एंड कुशाल जी, मैं और एक पर्सन भी वो मीटिंग अटेंड होने के 26th जनवरी अपना रिपब्लिक डे होने के कारण 9:30 10:30 को स्टार्ट होने का मीटिंग 11:30 तक भी स्टार्ट नहीं हुआ. हम गए थे 9:30 बजे वहां पे पहुंचे थे. वहां पे भी कुछ भी माहौल नहीं था कि यहाँ पे एक बड़ा मीटिंग होने वाला है. तो हम जैसा जैसा टाइम होते रहा और रिपब्लिक डे के कारण के वजह से लोग थोड़ा धीरे आने चालू हो गए. 11:30 के बाद वो हॉल पूरा फुल हो गया. उस दिन मेरे को हमारे ग्रेट मेंटर हर्षल त्रिवेदी जी का फुल डे सेशन VIP मीटिंग के जरिया सुनने का मौका हमें मिले. उस दिन से मैं वेस्टिज में मेरा जर्नी स्टार्ट किया. इसमें उस दिन मेरा जो भी ड्रीम्स थे वो फिर से मेरे अंदर उड़ गए थे. उनका जब भी उनका इनकम उन्होंने बता रहे थे कि 7,93,000 उनका मंथली इनकम था. और उन्होंने जो ड्रीम्स के बारे में हम आपको समझाया उसके बारे में ये मैं एक चीज क्या बोल सकता हूँ बोलो तो ये मीटिंग मेरा लाइफ चेंजिंग मीटिंग है. और मैं वेस्टिज में जर्नी स्टार्ट करने के लिए मेन फाउंडेशन मीटिंग यही है बोल के मेरा एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंट है. और इस ये मीटिंग सुनने के बाद वेस्टिज करना बोल के स्ट्रांगली मैं डिसाइड हुआ. फ्रेंड्स
देखिए आप काम तो कहां पे भी करना ही पड़ेगा, हर इंसान कोई ना कोई काम करना तो जरूर पड़ेगा। उससे जिस दिन हर्षल त्रिवेदी सर का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, जब मेरे को ये लगा कि वेस्टीज इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों बोलो तो काम पे भी जॉब करिए, नहीं तो बिजनेस करिए, जॉब में भी रिस्क है और काम को अब कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। बारिश गिरा ना धूप गिरा, कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कंपनी से अपने को कुछ लेन देन नहीं रहता, कंपलसरी अपना काम अपन करना पड़ेगा। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सुनते बिफोर इसके बारे में मैं थोड़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इसके बाद मेरे को एक इसमें मेनली मेरे को क्या मेरा फोकस काम पे था बोला तो काम तो काम पे भी करना पड़ेगा। फर्स्ट ये सिस्टम में वेस्टीज सिस्टम में मेरे को हेल्थ के बारे में हेल्थ को ठीक करने का बिजनेस अभी तक काम पे भी नहीं सुने आप लोग। जहां पे भी तुम बिजनेस करते नहीं तो जॉब करते वहां पे हेल्थ खो जाते हैं, और इसमें हम अपने को हेल्थ मिलता है और उसके साथ साथ वेल्थ भी मिलता है। पैसा तो कमाना पड़ेगा, हेल्थ से वेल्थ कमाना बहुत बढ़िया ऑप्शन मेरे मुझे लगा। जब से हेल्थ और वेल्थ के कॉन्सेप्ट से मैं इसका फोकस इसका आगे की सोच मेरे दिमाग में चल रहा था, और ये दो रहने के बाद ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में वेस्टीज प्लेटफॉर्म में अपने को टाइम मिलता है। टाइम के जब आदमी को टाइम मिलता फैमिली हैप्पीनेस एंड ऑटोमेटिकली फैमिली की लव ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता, क्रिएट होता और ज्यादा टाइम देते लगने देना लगता है। जैसा जैसा अपन इसमें एक 3 से 5 साल ये बिजनेस में अपन जैसा टाइम करके बिजनेस में स्ट्रांगली बिलीव करके 5 साल में अपना नेटवर्क बना के छोड़ देना, ऑटोमेटिकली अपने को टाइम मिलता और फैमिली में एंजॉयमेंट मिलता, अपने को फुल टाइम भी मिल जाता। ये बिजनेस एज ए मैं फर्स्ट एज ए बिजनेस में नहीं एज ए कस्टमर में मैं इसके बेनिफिट्स फर्स्ट देखे तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास कोई भी कस्टमर हो दो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर से अपने को बेनिफिट्स क्या मिलता है बोलो तो अपने पास वेस्टीज में फ्री एनरोलमेंट है, रिन्यूअल फीस कुछ नहीं है और फ्री लक्की ड्रॉ ऑफर्स है, अप टू 20% डिस्काउंट है, और बाहर तुम कहां पे भी देखो तो फ्री प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलता है। फिर भी उसके साथ साथ अपने को 5-11% कैशबैक भी मिलता है, फ्री प्रोडक्ट 5th मंथ में फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलता है। और ये सारे ऑप्शन छोड़ के अपने को मार्केटिंग के करते करते अपन फ्रेंचाइजी भी लेके ये बिजनेस को आगे कर सकते हैं। मार्केटिंग इसमें नेटवर्क बना के भी आप इनकम ले सकते हैं और फ्रेंचाइजी लेके भी अपन इनकम ले सकते हैं। और मार्केटिंग में लेने के बाद ये वेस्टीज मार्केटिंग से अपन अपने फैमिली को फर्स्ट एम्पावर करते हैं। क्यों बोलो तो अब आज अपने फैमिली में फर्स्ट एम्पावर करने के बाद जो भी अपन प्रोडक्ट घर में यूज करने के बाद उनको रिकमेंड करने से अपने को बहुत सारे इनकम्स आने आ रहे हैं बोल के जब वेस्टीज मार्केटिंग प्लान मैं समझ लिया। स्टार्टिंग में तो आप सब लोगों को मालूम है 8 वेज ऑफ इनकम थे, जैसा रिटेल प्रॉफिट 10-20%, परफॉर्मेंस बोनस 5-11%, ब्रांच डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप बिल्डिंग बोनस 16%, और 6th पॉइंट ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड एंड एलाइट क्लब बोनस। फ्रेंड्स
अब वर्क तो कहां पे भी करने का है, कहां पे भी जॉब करे तो अपने को जो मिनिमम सैलरी आना है वो तो कंपलसरी हर कोई को मिलने मिल सकता है, मगर वेस्टीज में अपन करने का काम किसकी वजह से बोलो तो ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। अगर आप 10 साल कौन सी कंपनी में भी करे काम पे तो भी जॉब करे ना, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलने वाले नहीं है। आप अपना जिंदगी दूसरों के लिए काम करना पड़ता, जो भी अपना ओनर है, जो भी अपना बॉस है, उन्हों खुद डेवलप होते, मगर अपन खुद डेवलप नहीं होते हैं, और अपना नाम अपने मोहल्ला में काम पे भी लेने वाले नहीं है। और जैसा जैसा मैं बिजनेस को समझने लगा, जैसे जैसा अच्छा राइट अपॉर्चुनिटी बोल के मैं डिसाइड हुआ, इससे पहले मेरा हार्डली मंथली इनकम मैं जनरेट करते होते, कितना भी हार्ड वर्क करे तो 15 to 20,000 इनकम कर लेता था। जैसे जैसे इसका सिस्टम मेरे को समझ में आया, एकदम मेरा ड्रीम्स पूरे फिर से स्टार्ट हो गए। जब बचपन में अपन सोचते कि मेरे को वो गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, मैं वो कार में फिरूंगा, ये कार में फिरूंगा, और पूरे जैसे जैसे अपन बड़े होते 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 वो ड्रीम्स को भूलना शुरू कर देते फ्रेंड्स। जैसे जैसे अपन बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे अपना लाइफ जैसे जैसे बढ़ता होता है, रियलिटी में वो ड्रीम्स पूरा अपन जो अपन फाइनेंशियली अर्निंग कर रहे उससे अपन पूरा गेन नहीं कर सकते। जैसे जैसे अपना अपॉर्चुनिटी इनकम का सोर्स कम होने के वजह से वो ड्रीम्स को हटा के जस्ट जीवन में लाइफ में जीने के लिए काम करना पड़ रहा, मगर इसमें जीने के लिए नहीं फ्रेंड्स, ड्रीम्स के लिए काम करना स्टार्ट करो। जैसा मैंने स्टार्टिंग मेरे ठान लिया, ये CNT मीटिंग जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसका मेरा 5th या 6th मीटिंग का क्राउड है ये। स्टार्टिंग में मैं अकेले से स्टार्ट होने के बाद उस दिन मेरे को, अभी आप सब लोगों के सामने मौजूद है और ग्रेट अपलाइन मिसेस सुनीता पिपलवान जी मैडम का इनकम था 50,000+ इनकम था। वो बात मैं सुनने के बाद मेरे अंदर जो भी ये था, अब उनके बारे में मैं सुन लिया तो 10th क्लास हाउसवाइफ लेडी 50,000 कमा रहे, तो मैं क्यों ना स्टार्ट करूं। जब से मैं ठान लिया कि ये बिजनेस मैं आगे करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, जब से मैं स्टार्ट करा, उनका रिजल्ट आज आप खुद सब लोग देख सकते। जब से मेरा CNT मीटिंग में अटेंड करना और बिजनेस मीटिंग्स करने का, और ये बिजनेस बिजनेस मीटिंग में मयंक सोनी सर और ग्रेट अपलाइन मयंक सोनी सर, सुनीता मैडम, प्रकाश जी, कुशाल जी सब मौजूद है, और वो मीटिंग से दरिया मेरा मोटिवेशन और बढ़ते रहा। जैसा जैसा मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहा, मैं फील्ड वर्क में मेरा प्लान स्टार्ट कर दिया, जहां पे लोग मिले, जहां पे लोग इकट्ठा हुए वहां पे मैं स्टार्ट सिंगली सिंगल पर्सन जाना और उनको बताना, बता के मोटिवेट करना, नॉट ओनली फील्ड में, बाकी स्कूल्स में भी जाके हम मीटिंग्स करें। सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हैं एक स्कूल में पूरा स्टाफ को मीटिंग ले रहा हूं। वैसा ही एग्रीकल्चर फील्ड में, अब इसमें नॉट ओनली वी आर वर्किंग इन होम नीड्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स, बट वी आर ऑल्सो इन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट ही है, बहुत बहुत लोगों को हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शेयर किए, यूज करने लगा है, यूज करने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट्स यूज करे है। जैसा कि उनको सिर्फ देना ही नहीं, उनको बाद में फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद उनका रिजल्ट्स के बारे में ऐसा टेस्टिमोनियल्स गैदर करके दूसरों को शो करना, अपने मीटिंग्स में शो करना, इसके वजह से अपने बिजनेस तेजी से बढ़ने का आवश्यकता है। और बाद में अपन खुद नॉलेज लेना क्या नहीं, इसमें वेस्टीज में सिस्टम क्या है बोलो तो, फर्स्ट अपन सीखना है कौन सा भी चीज अपने को, अगर आप कौन सा भी बिजनेस में, बहुत बिजनेस में कौन कितना भी प्रोफेशनल हो लो, मगर वेस्टीज में ये सिस्टम में आने के बाद फर्स्ट कौन सा भी चीज को अपन सीखना पड़ेगा। अपन सीखने के बाद अपन जो भी सीखे वो 10 लोगों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ये देखो एग्रीकल्चर मीटिंग्स, हम फर्स्ट स्लाइड में आप देखे तो एग्रीकल्चर के बारे में मीटिंग
उन एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज लेने के लिए हम सब हमारा टीम के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए हैदराबाद गए, सो पिक है। और बाद में सेकंड स्लाइड में देखे तो फील्ड वर्क, जहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर फील्ड वर्क करे थे उसके उसके जरिए वहाँ पे मीटिंग लिए थे, उसके उसके पिक है सेकंड स्लाइड में। और नॉट ओनली वर्क, ये बिजनेस में आपने खाली वर्क ही नहीं करना करने का है, वर्क के साथ अपने को एंजॉयमेंट भी मिलता है। जैसा कि ये पिक्स देख सकते सर फ्रेंड्स, दमन में हम सेमिनार अटेंड कर रहे थे, दमन में 3 डेज का ट्रिप था, मैं और मेरे टीम के साथियों से मारुति जी और वेंकटेश जी और ग्रेट एम्प्लॉयड मयंक सोनी सर जी, प्रकाश जी, सब लोग यहाँ पे मौजूद है। और अपन हम मीटिंग अटेंड करते हुए भी आपका सेकंड स्लाइड में ये जैसा कि अपन काम तो करते हैं, मगर आपको आपने पे जो भी नॉलेज लेने का है, अपना नॉलेज को खुद बढ़ाने में जब इन्वेस्ट करोगे, जब भी आपका लाइफ आगे बढ़ने का चांसेस है। क्यों बोलो तो जब तक अपन सीखेंगे नहीं, जब तक अपन तब तक अपन बोल नहीं सकते। उसके वजह से अपन कहां पे भी काम कितना भी करे और ज्यादा कुछ नॉलेज लेने का प्रयास जो भी जब भी करते ना, उसका रिजल्ट तुम्हारे बाद में फील्ड वर्क में उसके रिजल्ट तुम्हारे मालूम होते रहते हैं। जैसा जैसा फील्ड वर्क बढ़ता, जैसा जैसा आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होने लगता। सिर्फ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये मेरे पूरे अचीवमेंट्स है मयंक सोनी सर से। और अलाहाबाद में हम जो भी मीटिंग अटेंड करे थे, मयंक सर, सुनीता मैडम, महिमा मैडम, इन सब लोगों के साथ अलाहाबाद में जो भी मीटिंग करे थे उनके साथ मेरा अचीवमेंट्स के पिक्स है। और फाइनल और फ्रेंड्स, ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, ये बिजनेस आज ज्वाइन हुए, 6 महीने कर रहे, 2 महीने कर रहे, 3 महीने कर रहे, ये बिजनेस वैसा बिजनेस में मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आप सब लोग मेरे नाम से आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी कभी भी उनका बैटिंग को कभी तो भी ऑब्जर्व कर रहे तो स्टार्टिंग में जब भी उन पिच में आते हैं, 4 बॉल को 1 रन, 6 बॉल को 1 रन, 10 बॉल को 1 रन, 5 बॉल को 1, जैसा जैसा बॉल्स ज्यादा लेते हैं और बाद में रन्स कम निकलते थे। जैसा जैसा एनवायरमेंट पूरा उनको सुटेबल होता, जैसा उनको कैसा कन्वीनियंट बन जाता, जब तक उन्हों हल्लू खेलते थे और एक एक रन जमा करते थे, जैसा जैसा माहौल उनके फेवर में बन जाता है, जब उन्होंने ठहरे ठहरे 4 एंड 6 मारने का ठहरे जगह 4 एंड 6 मार देते, जैसा ये भी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स। फर्स्ट सिर्फ 3 to 4 years, सिर्फ 3 से 4 साल लगातार से काम करे वेस्टइंडीज में, फर्स्ट 6 months में अपने को वर्क तो नो डाउट 99% वर्क होगा और इनकम 1% आएगा, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे क्विट हो जाते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां पे बहुत सारे लोग क्विट हो जाते हैं, क्यों बोलो तो काम तो करना पड़ेगा, इनकम तो नहीं आ रहा। वैसा ही जैसा जैसा अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसा वैसा अपने को वर्क भी डिवाइड होते रहेगा, इनकम भी बढ़ते रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर काम 80% हो जाता है, इनकम 20% बढ़ जाता। 1 साल से 18 महीने काम 60% और इनकम 40%, 2 साल के बाद काम 40% इनकम 60%, 3 साल के बाद काम 20% और इनकम 80%, 4 साल के बाद काम 1% इनकम 99%। फ्रेंड्स मुझे बताइए ये ऐसा सिस्टम काम पे भी, कौन सा भी ऑफिस, कौन सा भी जॉब हों दो, कौन सा भी बिजनेस हों दो, ये सिस्टम से जैसा जैसा अपन 3-4 साल फुल टाइम इसको देने से ये स्ट्रक्चर में अपने को इनकम बढ़ता है क्या? रिस्क तो रहेगी, दिक्कतें तो आएगी, हर्डल्स तो आएंगे, सब कौन सा भी फील्ड में हर्डल्स कंपलसरी आएंगे, उसको सामने करते हुए हम जान लगा के उन कंपनी के लिए, वो उनके वहां अपने बॉस के लिए, अपने बिजनेस के लिए कितना होना उतना इन्वेस्टमेंट लगा के भी फुल टाइम हार्ड वर्क करके भी ये सिचुएशन जो भी अपन यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे, ये इतना फ्रीडम टाइम हों दो, मनी हों दो, इतना फ्री से अपने को
आने का चांसेस बाकी के फील्ड में कहां पे भी नहीं है सर, नए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप ध्यान लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि है बोलो तो जो भी अनसक्सेसफुल आदमी को भी कोई भी नहीं, आपको जो भी लोग परिचय नहीं है, आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे स्किल्स मार्केट में जो भी काम है वो काम करने के स्किल्स अपने पास नहीं है बोलो तो चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सब कुछ अपने को सिखाई देगा और ट्रेन करेगा। इसमें एक पैसा एक ही कमाने का नहीं है, इसमें अपना जर्नी जो भी स्टार्ट होता ना एक 4-5 साल के बाद, इसमें जो अपन एक इंसान बन के आते ना वो अपन कई लाख गुना अपने को बेनिफिट है, वो कई लाख लाख पैसों से भी अपने को बहुत फेवर होगा। अपन जो ये बीच में अपन जो अपने अपने लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता ना वो करोड़ों लाखों करोड़ों से भी बहुत ज्यादा है सर। फ्रेंड्स देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। ऑलरेडी इसका पिक्चर आपको देख रहे हैं सर। फ्रेंड्स सक्सेस को कौन सा भी लिफ्ट नहीं होता, एलिवेटर नहीं होता, कंपलसरी अब क्या करना पड़ता, स्टेयर्स लेना पड़ता, स्टेयर्स कंपलसरी लेना पड़ेगा। और इसमें देखे तो बहुत लोग क्या करते बोलो तो, मैंने 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, सक्सेस नहीं आया, मैं वेस्टेज कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, मेरे दोस्त कर रहे थे, किनको भी सक्सेस नहीं आया, मैं क्यों करो बोलो तो। इसके बारे में मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी इंसान एक डॉक्टर नहीं तो इंजीनियरिंग बनने के वास्ते उनको 25, 28, 29 ईयर्स उनको एजुकेशन देना है, नॉलेज लेना है, लेने के बाद भी कंपलसरी वो प्रोफेशन में वो जॉब में सक्सेस होते बोल के नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ एक 2-3 साल जो भी अपन हार्डली वर्क करते वो वर्क यहाँ पे कर ले तो आप कंपलसरी आपका लाइफ चेंज कर सकते, आपका एटीट्यूड चेंज कर सकते आप, बल्कि आप दूसरों को वर्क दूसरों को एम्पावर कर सकते और दूसरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म का में वर्क दिला सकते। सो फ्रेंड्स कहां पे भी सक्सेस ऑटोमेटिकली नहीं आता, कंपलसरी वो स्टेप बाय स्टेप अपन लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स मेरा जर्नी वेस्टइज में, मेरा लॉगिन डेट है 7 जनवरी 2019, जनवरी से मेरे को ब्रांच डायरेक्टर बनने के लिए 6 मंथ्स टाइम लगा हुआ है। और ये 6 मंथ्स में मेरा बहुत बढ़िया इनकम कुछ नहीं था, मेरा ये 6 मंथ्स में भी मैं जस्ट मोटिवेटेड था मेरे ड्रीम्स के ऊपर, मेरे जो वर्क सिस्टम है उसके ऊपर जो बिल्कुल मोटिवेटेड था। मोटिवेटेड रहने के कारण 6 मंथ्स का टाइम था, जब स्टार्टिंग में एक एक ज्वाइनिंग करने के वास्ते 3 दिन 30 पीपी का परचेस करने के वास्ते 3-3 दिन रोज 10 लोगों कस्टमरों को मिलने का वक्त रहता था, वो 10 लोगों को मिलके भी 30 पीपी निकालना मुश्किल होता था। जैसे जैसा आपने को एक्सपीरियंस, क्यों बोलो तो जब मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं था, जब मेरे को दिखाने के वास्ते कुछ इनकम भी नहीं थे, तो जब 6 मंथ्स ब्रांच डायरेक्टर होने के लिए टाइम लगा। और फ्रेंड्स जुलाई से लेके नवंबर तक और गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए 4 मंथ्स का टाइम लगा। और जैसा जैसा ये जर्नी में स्टार्टिंग में जब तक हम ब्रांच डायरेक्टर नहीं बने, जब तक हम सिंगली स्ट्रगल कर रहे थे, मैं प्रकाश जी खुशाल जी दोनों तीनों स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे नीचे टीम 200-300 लोगों का था, उसमें भी कोई भी एक्टिवेट नहीं थे, फिर भी कोई भी एक्टिवेट नहीं है तो पूरा टीम का वर्क अपना वर्क बोल के समझ के मैं खुद मोटिवेटेड रह के वो काम करते रहा करता रहा करते रहा। फ्रेंड्स कौन सा भी काम आप फर्स्ट डेट या फिफ्थ डेट 10th, 20, 30 को करें तो आपको सक्सेस नहीं मिलता। फ्रेंड्स लगातार फ्रॉम day 1 to day 30 आप वर्क करते रहे तो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। कौन सा भी चाहे जॉब हो दो, बिजनेस हो दो, कौन सा भी फील्ड हो दो, वैसा मैं मोटिवेटेड रह के मैं 6 मंथ्स ऐसा करना। जैसा जैसा मेरा लेवल्स बढ़ते रहे
और गोल डायरेक्टर के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नवंबर से मेरा जून तक गोल डायरेक्टर ही था। जो लॉकडाउन में भी मैं मेरा लेवल्स मेंटेन करे थे, और उसमें बहुत बड़े दिक्कत क्या हुआ बोला तो, आफ्टर मेरा गोल्ड जून जुलाई में मेरा एक अच्छा खासा टीम, जो भी स्ट्रांग लेग था, स्ट्रांग वर्किंग जो लेग था मेरा, वो छूट गया था। वो लेग ऑटोमेटिकली आप सुन सकते, बहुत लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, बहुत लोग अपने लाइफ के बारे में सीरियस नहीं रहते, आपके लाइफ के बारे में फोकस नहीं रहते। बहुत लोग क्या करते बोले तो, जो भी कंपनी बीच में जो भी आ रहे क्विक मनी, जो भी ऑप्शंस उनको दिखे क्विट हो जाते होते रहते। वो टाइम पे भी मैं कुछ डिमोटिवेट नहीं लगा, नहीं होने के कारण जब मेरा टीम एक्टिवली वर्किंग करते रहा, मेरा लेवल गोल्ड ही था फ्रेंड्स। जैसा मेरा एक टीम डीएक्टिवेट हुआ, जो भी अच्छा खासा टीम चल रहा था, वो पूरा टीम का टीम डीएक्टिवेट होने के बाद भी मैं कहां पे भी उसके बारे में डीमोटिवेट नहीं हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा स्ट्रेंथ और मैं फोकस ऑन वेस्टीज, मेरा वेस्टीज के ऊपर भरोसों से मैं ऑटोमेटिकली मेरा वर्क तेज, मतलब वर्क का तेजी बढ़ा दिया, और बढ़ा देने के बाद उसका फैबुलर रिजल्ट मेरे को क्या मिला बोला तो, एक ही महीने में, जुलाई महीने में मैं सीधा गोल्ड से स्टार, डायमंड एंड क्राउन लेवल तक पहुंच गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फर्स्ट, माय फर्स्ट पेमेंट इन वेस्टीज 2019 जनवरी में 42 रुपीस। मेरा परचेस करने के बाद जो भी मैं परचेस करा उसके बाद 42 रुपीस आया। वो 42 रुपीस आने के बाद भी मैं मोटिवेटेड था, मैं इसके बारे में 42 रुपीस कैसा कैसा बढ़ता है इसके बारे में सोचता था, कैसा कैसा बढ़ता है ये 42, मैं अकेले परचेस करे तो 42 रुपीस आया। जैसा जैसा मेरा टीम कैसा कैसा बिल्डअप कर तो इसका फिगर वैसा वैसा बढ़ने वाला है बोल के मेरे को ऑटोमेटिकली इसके सिस्टम्स और वीडियो सुनते 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 मेरे को समझ में आने लगा। उस दिन से कभी भी डीमोटिवेट ना होने से कारण इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, मेरा हाईएस्ट पेमेंट है 69,206 रुपीस। तो इस जर्नी में बहुत सारे दिक्कतें आते रहते, प्रॉब्लम्स आते रहते, और उसमें बीच में डीमोटिवेट होना या करना ना करना बोलने के क्वेश्चंस बहुत सारे अपने दिल को ऑटोमेटिकली आते रहते, मगर किस दिन भी उसको सोचते सोचते किस दिन भी नेगेटिव स्टेप मैं कभी भी नहीं डाला, मोटिवेटेड रहा और फॉरवर्ड होते रहे, फोकस होते रहे। मेरा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इन सक्सेस को आप सब लोग पहचानते हैं, मिस्टर सोनू शर्मा जी, जिनके वीडियो से मैं फुल मोटिवेटेड रहा हूँ और रहता हूँ। स्टार्टिंग में मैं वेस्टीज के जब स्टार्टिंग में मैं वेस्टीज में लॉग इन हुआ, जब वेस्टीज के वीडियो सुनते 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 ऑटोमेटिकली सोनू शर्मा जी का एक वीडियो ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है बोल के मेरे को ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुआ। जिस उस दिन से मैं कंप्लीट इनके वीडियो सुनते सुनते आप मेरे मुझ में मेरा मैं मोटिवेटेड रखा। और फ्रेंड्स इनके मोटिवेशन सुन के बहुत सारे लोगों को मैं इनके बारे में बोल के उनको वीडियो सुनो बोल के बोलने के वजह से बहुत सारे टीम भी डेवलप हुआ। और ये कोटेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, अपनी चलती है तो दुनिया जलती है। इस कोटेशन के पीछे बहुत बड़ा राज है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कौन आप जो भी एनवायरमेंट जो भी सोसाइटी में है, सब लोगों को यही चैलेंजेस आते हैं कि लोग क्या करते हैं बोलो तो, आप उन्हों खुद काम भी नहीं करते और आपको भी एक काम करने का मौका ना देते, एक काम आप करे तो भी उन्हों आपको डीमोटिवेट करते है। ये बिजनेस में अपन कब तक स्टैंड होना बोले तो, जब ये सिचुएशन के ये कोटेशन के लायक अपन बनते हैं, जब तक ये बिजनेस को पकड़ के रखो, ये बिजनेस पे मोटिवेटेड रखो, फोकस रखो, जब अपनी चलती है तो दुनिया जलती है। स्टार्टिंग में उन्होंने जो भी बातें बोलते ना, वो अपने को जो भी अपने को ये बातें जो भी अपने को ये होता है ना चुपते हैं, जैसे भी स्टार्टिंग में डीमोटिवेट कर देते हैं, जैसा भी डीमोटिवेट करते हैं, आप आपके अपलाइन से फोन करिए, आपके जो मेंटर हैं उनसे बात करिए,
कभी भी मोटिवेट रहने के लिए ट्राई करिए। जैसा जैसा आपका माहौल में आपका नाम बढ़ना शुरू हो जाता, जैसा जैसा आपका नाम बहुत लोगों का लेना शुरू हो जाता, जब ये कोटेशन अपने को 100% सूट होता फ्रेंड्स। क्यों बोला तो अपनी चलती है तो दुनिया जलती है। स्टार्टिंग में उन्होंने ना चलते अपने साथ, अपने को ना आगे बढ़ने देते, बाद में क्या होता बोला तो अब मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने मेरे भी थोड़े फ्रेंड्स है अभी भी मेरे साथ, अब मेरा इनकम देखने के बाद भी अभी भी मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे है कि अभी भी यकीन नहीं करते, फिर भी मैं मोटिवेटेड रहा और इनको फॉलो करते रहा और मेरा इनकम बढ़ते रहे। और देख सकते फ्रेंड्स, यू नो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अमेज़न के फाउंडर है जेफ बेजोस, इनका सिंपल कोटेशन है, वर्क हार्ड हैव फन एंड मेक हिस्ट्री। वर्क हार्ड, वर्क तो काम पे भी करना पड़ता, हार्ड वर्क का कौन सा चीज भी, कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग। हार्ड वर्क करने के बाद करते करते वो वर्क को एंजॉय करते हुए, कौन सा भी वर्क अपन जीने के लिए एंजॉय करते, यू शुड लव योर वर्क। कब वर्क हार्ड एंड हाउ हैव फन एंड मेक हिस्ट्री, कभी भी आप वर्क को लव करते ना, जब भी आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते फ्रेंड्स। ये अपना अमेज़न फाउंडर है जेफ बेजोस, इनका कहावत है। और फ्रेंड्स, ये मेरा पिक्स है विथ माय टीम, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टीम के बहुत सारे ग्रेट लीडर्स है, जैसे कि बहुत सारे वेंकटेश तिप्पलवार जी और मारुति मंडकर जी, मानिक राव जी, बसवराज जी, नरसिंह जी, ऐसा बहुत सारे। और मेरे टीम में बहुत सारे स्ट्रांग लीडर्स जो भी है, उनका नाम नरसिंह जी है, शारदा मैडम जी है, रंजित पांडे जी है, किरण जी है, पी सरी सुमंगला जी है, राजू पटेल जी, विजय लक्ष्मी, श्रीनिवास रेड्डी जी, भूषा विश्वंबर जी, मठपति संजीव कुमार जी, सुनील वर्जे जी, गीतपनोर शिवराज जी, शंकर लक्षेट्टी जी, शिवमूर्ति जी, महेंद्र लक्षेट्टी जी, शिवाजी जी, ऐसे बहुत सारे मेरे लीडर्स है, उन्होंने खुद मोटिवेट रह रहे हैं और उनके जरिए मैं भी उनको तेजी बढ़ने के 100% एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ देने के लिए तैयार हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरे तरफ से। थैंक यू एंड विश यू वेल। ओवर टू अश्विनी सर। थैंक यू वेरी मच संजू भाई, बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और सबकी जानकारी के लिए बता दूं, संजू जी बोधन से बिलोंग करते हैं तेलंगाना, तो एक सैल्यूट तो और भी है उनके लिए, क्योंकि इतनी बढ़िया हिंदी में आपने प्रेजेंटेशन लिया। नॉर्मली आपकी ये जो आपकी मदर टंग है वो आपकी तेलुगु है, और मुझे जहां तक पता है आप अपने सेशंस तेलुगु में करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि अभी हम लोग नेशनली इंटरनेशनली यहाँ सब इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे लोग इंडिया से बाहर के भी लोग हैं, तो हमें फिर हिंदी को ही यूज करना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से जो अपनी सारी बात रखी। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये विश्वास करेंगे कि 44 रुपए 44 रुपीज की इनकम से शुरू होने वाला ये बिजनेस 18 महीने में 69,000 प्लस क्रॉस कर चुका है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने इस तरीके का इतना तगड़ा जंप कभी भी देखा है किसी और बिजनेस में? मेरे हिसाब से तो नहीं। सिर्फ वेस्टीज ही ऐसी चीज है जिसमें आज भी शायद लोग जो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देर है, आप थोड़ा सा जुट जाइए, अपने काम में जुट जाइए, तल्लीन हो जाइए और सोचिए कि मुझे करना ही है। देखिए, आपके भी चेक्स संजू कुमार जी की तरह इसी तरीके से थाउजेंड्स और फिर लाखों में। और मैं आपको बताऊं कि आप संजू कुमार जी, आपका अब जब हाउस फंड और कार फंड अचीव हो चुका है, तो अब आपका चेक कम से कम 90,000 प्लस ही आएगा, क्योंकि क्योंकि ये दोनों फंड के बगैर का चेक है। ये
मेरी ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी आप और आगे के लेवल बढ़ाएंगे। यूसीडी, डीसीडी, अभी तक की जो इनकम्स हैं उसमें सिर्फ इलेट क्लब बोनस को छोड़ करके सब कुछ मिल रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, ये है वेस्टिज, जो कि आज एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपने जो बताया, एक सिंपल तरीके से काम करते रहने वाला इंसान कैसी तेजी से आगे बढ़ जाता है। मुझे कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी लगी। एक तो आपकी जुझारू प्रवृत्ति, जो कि हम सबको अपने अंदर डेवलप करनी होगी, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स जूझना पड़ता है हमें। कोई भी काम अगर कहीं पे भी अटक रहा होता है तो हमें जूझना होता है। देखिए, शायद इस बात को कुछ लोग नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूँ। प्रेजेंटेशन के शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन संजू जी ने पेशेंस नहीं खोया और पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास जो है अपना रेडी कर लिया विद इन 3 to 4 मिनट्स, 3 और 4 मिनट के अंदर ही। तो ये होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब इतने लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं हम नर्वस हो जाते हैं और हम अनजाने अनजाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है या कुछ और भी प्रॉब्लम, टेक्निकल मिस्टेक होती है, तो भी हम नर्वस होने लगते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन आप लगातार लगे रहे और आपने पूरा कंप्लीट कर दिया फर्स्ट क्लास तरीके से। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। जी सर, और सच में ये बात तो सच्ची है कि हम कुछ अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी और अपने परिवार की जिंदगी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो अच्छा करने के लिए हम अपने वेस्टीज को ही क्यों ना करें। थोड़े दिन की तकलीफ है, देखिए क्या 44 रुपए, मान लीजिए आप किसी दूसरे बिजनेस में 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीना भी कमाते हैं, तो क्या वो 3 लाख हो जाते हैं? नहीं होते। आप देखिए, अगर ग्रोथ के हिसाब से देखिए तो कितने परसेंट ग्रोथ हो रही है। जिस पर्सन का पहला पे आउट 44 रुपीज का वाउचर था, जो चेक भी नहीं मिला, वो इंसान 18 महीने में 69,000 क्रॉस कर चुका है। बहुत शानदार आपने बोला। साथ ही साथ आपने महेंद्र सिंह धोनी, जी जो कि ज्यादातर लोग के फेवरेट है, मैं सर ऐसा मानता हूं, मेरे भी हैं, तो आपने बताया कि शुरुआत में जब हम जाते हैं कहीं पे भी कुछ काम करने, इवन अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो बैटिंग करने जाते हैं, तो पहले हमें वहां का माहौल, वहां की बॉल, ये सब चीज समझनी पड़ती है। इसलिए हम जो है कुछ बॉल्स को खाली छोड़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमको खेलना है। तो शुरू के आपके कुछ बॉल्स जब आपकी खत्म हो जाती है तो रन आपके बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे ही सब चीजें हमें समझ में आती है, हम छक्के पे छक्का, चौका, ये सब मारना शुरू कर देते हैं और वो सब आगे पीछे का हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज भी इसी तरीके से ऐसे ही सेट होती है। यही एग्जाम्पल सोच करके आपको काम करना है। वेस्टीज आपकी जिंदगी में इतने छक्के लेके आएगी, और नॉट आउट तो रहना ही है इसमें, हम आउट नहीं होते इसमें। एक और अच्छाई है, जो कि धोनी जी जो है कई बार आउट होके पवेलियन भी लौट जाते हैं, लेकिन हम हमेशा से नॉट आउट रहने वाले हैं। तो आज संजू कुमार जी, आपने तो समा बांध दिया। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं जो कि मैं अभी पूछ लेता हूं, लेकिन उससे पहले सर, मैं जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ना नहीं सर, बिल्कुल बोलिए। हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट कर दूं, कुछ आगे का हमारा प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंडे हमारे बीच में रॉयल एबीपीबी सुपर स्टार में एक बहुत ही खास लेडी आ रही हैं, और वो जरूर आपको सुनना है, क्योंकि मैंने अभी तक की लाइफ में इतनी दर्द भरी कहानी किसी की भी नहीं सुनी है। और उस दर्द भरी कहानी के चलते हुए उन्होंने उस वेस्टीज को किया और अपने आप को खड़ा किया, और ना केवल उन्होंने अपने आप को खड़ा किया बल्कि उनके हस्बैंड को भी मानना पड़ा कि यस, वेस्टीज में बहुत दम है। यानी कि जब वेस्टीज करने की बारी आई थी तो उनके हस्बैंड ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, और थोड़े समय के लिए वो अकेले भी रहे। बहुत तकलीफें आई एज ए लेडी, क्योंकि फाइनेंशियली भी आती है, सब घर चलाना पड़ता है बच्चों के साथ। आप शायद थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे,
लेकिन मैं अब उनका नाम बताता हूँ, वो और कोई नहीं, मिसेस वंदना खेंगर। वंदना खेंगर जी डायमंड डायरेक्टर, जो आज की तारीख में 90,000+ का पे आउट ले रहे हैं। एक हाउसवाइफ जिसने कभी भी घर से कदम भी नहीं रखा निकाला, और वो 90,000 के पे आउट के क्रॉस कर चुकी, साथ साथ एक बहुत बढ़िया अपनी कार की मालकिन भी बन चुकी हैं, और बहुत ही जल्दी अभी आगे लेवल्स अपने अपग्रेड करने वाले हैं। तो उनको हम नेक्स्ट मंडे को सुनने जा रहे हैं। हम उनको कई बार इनवाइट करना चाह रहे थे पहले भी, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम थी, और मेरा अभी भी, अगर वो इस सेशन में कहीं पे भी हैं, अगर आपकी इंटरनेट से रिलेटेड या कोई भी तरीके से अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो जरूर अपनी टीम लीडर को बोलिए, और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं मिले तो मैं तो हूं ही हूँ, मुझे बोलिए। आपका सेशन मंडे को हम सबको सुनना जरूरी है, और इसके बाद, इससे बाद नहीं, सॉरी, इससे पहले थर्सडे आता है ना, थर्सडे को हमारे बीच में आने वाली है एक और दूसरी गजब की लेडी, जिन्होंने भी ऐसा कारनामा किया कि सिल्वर डायरेक्टर से सीधा डायमंड डायरेक्टर की तरफ जंप किया, और अपने लिए कार फंड लेना भी शुरू कर दिया। वो 3 महीने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रॉस भी कर लिया। वो और कोई नहीं, मिसेस बीजल दीक्षित, डायमंड डायरेक्टर सूरत, जिनके अनुसार कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज जो है वो संभव हो सकती है, अगर आपके अंदर करने की इच्छा जो है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ अगर आप काम करें। और उनका टॉपिक है, हौसला है तो फासला क्यों है। हम अक्सर कहते हैं हौसला बढ़ाइए, लेकिन हम मंथ एंड में कहीं ना कहीं वहीं जाके अटक जाते हैं। तो हौसला है तो फासला क्यों है, इसकी डिटेल्स के साथ उनके साथ थर्सडे को हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ थर्सडे से पहले यानी कि कल ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमारे इस रॉयल एबीपीवी टीम के एक शानदार स्पीकर, जो जब भी जिनका नाम जो है अनाउंस किया जाता है कि उनका प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो लोग एकदम से भाग करके जो है ज्वाइन होना शुरू कर देते हैं। वो और कोई नहीं, क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मयंक सोनी कल वॉरियर्स पे यंग माइंड सेशन में हमारे साथ उपस्थित होंगे। तो आप जरूर वहां, आपको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। वॉरियर्स ऐप पे ये प्रोग्राम होगा 6 तारीख यानी कि कल ट्यूसडे को, और टाइम है शाम को 7 बजे का। तो ये तो जो है अनाउंसमेंट था, सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि मयंक जी का सेशन हम सबको बहुत तगड़ी एनर्जी देता है, जैसा कि मैंने अक्सर सुना है। तो अब बात करते हैं, वापस से संजू जी के पास आते हैं। आपने काफी कुछ बताया, और आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था, आपने आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में बताया, आपने क्या कहाँ कहाँ पे क्या काम किया वो सब बताया, लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा अभी और भी। वो ये कि वेस्टीज में जब शुरुआत किया था आपने, तो इतने छोटे पे आउट में कभी कभी कुछ लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और अक्सर उनको ऐसा लगता है दिन भर मेहनत करी है, इसमें इतना ही रुपया आया। जब 44 रुपीज आया था, तो क्या आपको ऐसा लगा था इसको क्विट कर दूं, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं कभी लगा कभी भी नहीं लगा सर, जी? सर कभी भी वैसा नहीं लगा। क्यों बोला तो मेरे को जितना भी एजुकेशनल नॉलेज था जी वो हिसाब से मेरे को एक चीज ध्यान में था कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। जी तो वो एक छोटा सा कारण होगा मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं होने वजह से कारण। जी क्यों बोला तो अभी क्या डायरेक्ट सेलिंग को लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एमआरपी रेट्स देके नफरत करते जी
उनो अपने को सुनने का टाइम फालतू के टाइम ले रहा है इनो बोल के अवॉइड कर देते फर्स्ट ऑफ ऑल जी वही चीज अपने को जो लोग नहीं कर रहे वो अपन करने का अपन जब ठान लिए ना सर ऑटोमेटिकली जब लोग जो जब स्टार्टिंग में लोग अलग नजर से देखते हैं अपने अभी यहाँ पे माहौल कैसा है बोलो तो संजय बोलो तो वेस्टीज वेस्टीज संजय क्या बोलो वो चीज जब तो स्टार्ट हो जाता है एक आदमी ऑटोमेटिकली सक्सेस उनके पास आने का स्टार्ट हो जाता वो उसके जरिए मेरे को जैसे मोटिवेशन देखते रहे आगे का जो भी फील्ड है आगे का जो भी बिजनेस चलने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बड़ा धमाल करने वाला है मार्केट में उसका नॉलेज मैं लिया वो लेने के बाद जब भी मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते थे ऑटोमेटिकली मैं मेरे अपलाइन से मिलना नहीं तो मोटिवेशन वीडियोस स्टार्टिंग में सर मैं डेली मॉर्निंग 8-9 कंपलसरी वीडियोस देख के ही स्टार्ट होता था एंड होता था मेरे क्यों बोलो तो मैं दूसरा एक छोटा बिजनेस वो जो करते करते मेरे को टाइम जब भी मिला उसके बारे में मॉर्निंग या नाइट डेली एक वीडियो देखे तो ऑटोमेटिकली डे फुल डे मोटिवेटेड रहता था उसके वजह से कभी भी डिमोटिवेट नहीं लगा और फोकस कंपनी का विजन मिशन जो जो भी थे और अपन यहाँ पे लोगों को एम्पावर कर रहे अभी ऐसा बोलो तो कुछ लोगों को अपन हेल्प करने का इच्छा रहता इच्छा रहे तो भी अपना पॉकेट अग्री नहीं कर पाए कई बार अपन जो भी मार्केट में तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से संजू जी ने जो है आंसर दिया एक्चुअली उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी किया हुआ था साथ ही साथ डीमोटिवेशन अगर कभी भी आता था तो उसको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने काफी कुछ अपना प्रोग्राम सेट किया हुआ था अपलाइन से बात करना वीडियोस वगैरह देखना यानी कि वो उसकी गहराई तक जानते थे तो आज बाकी सब लोग जो अभी तक उपस्थित हैं उनसे भी मेरा यही कहना है अगर आपके पे आउट्स अभी कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि उतने नहीं आ रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे तो लगे रहिए ये उतने भी आएंगे जो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है और बल्कि ऐसे भी आएंगे जो आज आपकी वो एक्सपेक्टेशन से बाहर भी है बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस उतने पे आउट ये देगा यानी कि ये पे आउट देने के लिए बैठा है हम में कितनी ताकत है कि हम कितना बड़ा चेक ले सकते हैं वेस्टी से तो संजू कुमार जी एक अगला क्वेश्चन अब इस महीने से आपको कार फंड शुरू हो रहा है और कार एक ऐसी चीज होती है कि वो कहीं ना कहीं हमारी एक दबी हुई इच्छा होती है कि हम ये लेंगे बच्चे होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं लेकिन बच्चे लोग हमेशा सच्ची बात बोलते हैं बड़े होकर के हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं तो पहली बात मेरे को ये बोलनी होगी संजू जी कि आपकी आप वैसे भी म्यूट हो गए मैं अनम्यूट कर देता हूँ वापस कि आपकी जो पहली कार है सर वो कौन सी आप अपने अंदर सोच के रखे हुए मारुति बेलिनो कार सर मारुति बेलिनो तो बहुत अच्छी चॉइस आपकी क्योंकि शुरुआत ज्यादातर लोग मारुति जैसे ट्रस्टेड ब्रांड से ही करते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ और है क्योंकि पे आउट आपके 44 रुपीज से 69,000 18 मंथ में गए तो नेक्स्ट 8 मंथ में 9 मंथ में क्या होगा ये आप और हम अभी नहीं जानते लेकिन जो होगा बहुत ही शानदार होगा अमेजिंग होगा तो आपकी ड्रीम कार जो आपको आज लगता है ये ड्रीम है मेरा जो सच होगा और वेस्टी जी से पूरा करेगा तो वो कौन सी कार है जो आप लेना चाहोगे मारुति बेलिनो सर वो तो आपकी पहली है सर नेक्स्ट एक्चुअली वो भी आपकी ड्रीम ही है ये तो अभी क्योंकि आपका कार फंड शुरू हो रहा है लेकिन मैं ऐसी सीरीज जिसमें लग्जरी कार की रेंज में आप कौन सी कार लेना चाहोगे लग्जरी कार में फॉर्च्यूनर लेने का इरादा है सर फॉर्च्यूनर जी सर देखिए ये दूसरा एक ट्रस्टेड ब्रांड टोयोटा फॉर्च्यूनर तो ये भी एक बहुत ही शानदार कार है देखिए सारे सपने पूरे होंगे हमें अक्सर कहा जाता है सपने देखो तो आपके सारे सपने सच होंगे सपने देखने की हिम्मत तो करो हमारे जो है
एमडी सर मिस्टर गौतम बाली का एक बहुत अच्छा स्लोगन है ये कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो ये आपने कार के बात में बताया, इसके अलावा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन मैं पूछना चाहूंगा कि विदेश में फॉरेन ट्रिप्स के एंटाइटल तो आप पहले से ही हो चुके हो और आपके ट्रेवल फंड में पैसा जमा हो रहा है, हालांकि अभी ये उपयुक्त समय नहीं है कि हम कहीं पे भी फॉरेन की तरफ जाएं, लेकिन ये सब चीजें एक दिन जाकर के सब खत्म हो जाएगी, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो आप कौन सी जगह ऐसी है जहां सोचते हो कि मैं अपनी परिवार के साथ वो जगह पे जाऊं? स्विट्जरलैंड सर। स्विट्जरलैंड, गुड, वेरी गुड। तो देखिए ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, एक दिन संजीव कुमार जी जरूर स्विट्जरलैंड वेस्टिज के थ्रू जरूर जाएंगे, क्योंकि दिल से सच्चे मन से अगर जो आपने चीजें सोची है वो जरूर पूरी होती हैं। और साथ ही साथ आपकी लीडर की सीक्वेंस में आपने नाम बताया था, लेकिन आपकी लीडर सीक्वेंस में अपलाइन लीडर्स की सीक्वेंस में आप किन का नाम लेना चाहोगे? सर फर्स्ट एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिस्टर प्रकाश जी जो मेरे स्पॉन्सर और मेरे ग्रेट अपलाइन है, क्योंकि उनकी वजह आज मैं ये प्लेटफॉर्म में ये स्टेज तक नहीं पहुंच सकता था। और वैसा ही उनके साथ साथ मिस्टर कुशाल भालेवाल जी, जी महिमा मैडम जी संतोषी मैडम, जी सुनीता पिपलवा मैडम, जी मयंक सोनी सर जी, अश्विनी भटनागर सर एंड प्रतिभा मैडम फाइनल। चलिए ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे अपने तरीके से नाम लिए सबके, और सच में इनका ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अपलाइंस जो है, हम लोग आपके टच में बहुत ज्यादा नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ, सारी टीम को बताता हूँ कि देखिए आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा, जैसे ही आपके अंदर से लीडर निकलते हैं तो वही सब चीज संभाल लेते हैं। सुनीता जी और आपने और बहुत सारे नाम बोले, मयंक बोला, ये सारे लोगों ने हम तक बात को आने ही नहीं दिया, अपने लेवल से संभाल लिया और एक नया लीडर क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से क्रिएशन जो है नीचे से नीचे होगा। अब संजीव कुमार जी की जो टीम आगे बढ़ेगी उसको संजीव कुमार जी संभाल लेंगे, हमारे नाम तो बहुत बाद में आएंगे। तो देखिए यही कमाल है इस बिजनेस का। जी आगे मैं कह रहा हूँ, आपकी टीम के फोटोग्राफ्स आपने दिखाए और उस समय नाम भी बताए थे जी, तो आपकी टीम लीडर्स में कुछ नाम जो आगे चल के बड़े लीडर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके नाम आप लेना चाहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी सर, वेंकटेश तिप्पलवार जी, जी मारुति मंडकर जी, बसवराज जी, नरसिंह राव जी, शारदा मैडम, रंजित पांडे जी, संजीव कुमार जी, लक्ष्यती शंकर जी, और राजू पटेल जी, श्रीनिवास रेड्डी जी, भूषण विश्वंबर जी। जी तो चलिए ये सारे नाम जो आपने बोले, मैं उन सब से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम आपका वेट कर रहे हैं आपके सेशन का, जल्दी से अपने आप के लेवल अपग्रेड करिए, हम आपको भी इसी तरीके से कॉल करेंगे और आपका भी नाम इसी तरीके से सारे हमारी टीम में, देश में, विदेश में एकदम से फैलता चला जाएगा। तो लास्ट में जो हम क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं वही क्वेश्चन पे आके आज के प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन, और वही है कि वेस्टीज के बारे में आप सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जब आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी बचपन में जो भी सोचे थे उसको बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, जी उसको तुरंत याद करने का मौका वेस्टीज से ही मिलेगा। जी बहुत सारे लोग उनका ड्रीम्स जो भी बचपन में जो भी सोचते थे वो पूरे वैनिश हो गए उनके माइंड में, वर्क बिजी में, बिजनेस बिजी में, वो पूरे अभी बहुत लोग सारे लोगों को याद भी नहीं शायद मेरे ख्याल से, उनको सब वापस उठा के वेस्टिज में साकार होने का प्लेटफॉर्म है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपन लोगों को
एम्पावर कर रहे हैं और उनको एक अच्छा रास्ता, लाइफ लॉन्ग नेम एंड फेम करने का रास्ता अपन दिखा रहे हैं, उनको कुछ नुकसान न कर रहे और उनका लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आने का इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने जस्ट फोकस्ड, मोटिवेटेड और ये काम लगातार करते रहने से रिजल्ट्स मिल पाए। जी, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया वेस्टीज के बारे में। मैं आज इस सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और पूरा समय पता ही नहीं चला। संजू कुमार जी ने बहुत डिटेल में हमें बताया, हम उनके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग, जितने लोग भी अभी बाकी रह गए, आपके सामने भी, आपके साथ में भी कोई लीडर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जो कि आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, उनके पास कोई भी टॉपिक है तो वो जरूर अपने लीडर्स को या मेरे को डायरेक्ट आप दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में उनको सम्मिलित करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको तीन प्रोग्राम के बारे में बताया एक वीक के, और इसके साथ ही आज नमस्ते, विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।